गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ लेती हूँ, खुद जा। टुडे नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.6। एवरीवन विल पे अटेंशन। आई विल बी कंप्लीट, आई विल ट्राई टू कंप्लीट एक्सरसाइज 13.6 एंड 7 बोथ टुडे, राइट? सो इन 13.6 वी हैव द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सिलेंडर। कल हमने किए थे दो क्वेश्चन जिसमें हमने पिलर बनाने थे। पिलर्स को बनाना होता है तो किस चीज की बात को, बाय द कंक्रीट मिक्सचर। देन वी टॉक अबाउट द, किस चीज की बात करते हैं तस्कीरत? बुक बुक छोड़ दे। अगर मैंने किसी पिलर को पेंट करना है तो मैं उसका क्या चीज निकालूंगी? हाँ पेंट करना है, तुझे पेंट करना है तो तेरा वो एरिया कितना है वो, तुम चुप नहीं रह सकते जरा? मैं उससे बात कर रही हूँ ना, बड़े इंटेलिजेंट बने फिरते हो, ठीक है ना? ये वो इसको मैंने पेंट करना है तो इसका मतलब इसका एरिया जो भी है, कर्व्ड को पिलर है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है? अगर मैंने ये बनाना है तो इसका मतलब इस पूरा इसको भरना है, ये सिलेंडर फिल्ड बनाना तो वॉल्यूम भी फिक्स बनाना। तो अगर आपको यही समझ नहीं है कि एरिया है निकाल लोगे ये वॉल्यूम, फिर पढ़ने का कुछ फायदा नहीं। Nobody is going to tell you and you will not be able to ask अच्छा क्या निकालना है, volume area, volume area, समझना पड़ेगा question, ठीक है? So exercise 13.6 question number 1, the circumference of the base of the cylindrical vessel is 132। जो cylinder है, cylinder का base कितना होता है बेटा? ये जो है that is circular and what is given? सर्कमफ्रेंस की गिवन है, सर्कृति कीर्ति। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? क्या चाहते हो, थप्पड़ खाना चाहते हो मेरे से? दिमाग में प्रॉब्लम है थोड़ी सी? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बेटे, हाँ जी, मतलब सर्कमफ्रेंस मतलब आउटर बाउंड्री का फॉर्मूला। टू पाई आर, ये वो वाले फॉर्मूलाज नहीं है, वो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये वो फॉर्मूला जो आप छोटी क्लासेस में करते थे कि अगर एक सर्कल है तो उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और जो उसका सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ द सर्कल वो होता है 2πr, ठीक है? So, the circumference of the base of the cylinder is given to you. It is given to you 132 centimeter. And height is 25 centimeter. What you have to find? Please stop writing. कुछ नहीं लिखना है, ये छोड़, सिंपल सिंपल सम्स तो आते हैं, इसको क्या लिखे जा रहे हो, क्या जरूरत है, समझो सिर्फ। How many liters of water can it hold? Means जो cylindrical vessel है उसमें कितना पानी आ सकता है? जसकीरत, किसी cylindrical vessel में मैंने पानी भरना है, कितना पानी भर सकते हैं? तो उस चीज में हम उसका क्या निकालेंगे? Volume, volume of the cylinder, जसकीरत formula, हाँ, pi r square h. So radius, अब radius हमें direct नहीं पता, we will find the radius from the formula 2 pi r. पाई की वैल्यू 22/7 लेके रेडियस निकालोगे बेटे, रेडियस यहाँ फिल करोगे, हाइट फिल करोगे, यू विल गेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम यू विल गेट इन सेंटीमीटर क्यूब, बट हियर दे आर आस्किंग टू फाइंड द, टेल द वॉल्यूम इन लीटर्स। तो जैसे हमने किया था 1 meter cube इज इक्वल टू 1000 liter, ये लर्न रखना है, एंड 1000 centimeter cube is equal to 1 liter. These two relations you have to learn. Now this is in centimeter cube. 1 centimeter cube is equal to 1/1000 liters. Yes, Jashan? 2 pi r. Circumference of the base of the cylinder. Not the circumference of the cylinder. जो cylinder है, ये cylinder है, इसका बेस मतलब इसके बेस का सर्कमफ्रेंस मतलब ये आउटर बाउंड्री दी है, और सर्कमफ्रेंस बेस का क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, उससे हम इक्वेट करके मतलब यहाँ पाई 22/7 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके r की वैल्यू निकालेंगे।
आर की वैल्यू फर्दर इसको इसमें फिल करेंगे, एच गिवन है, यहां से वॉल्यूम आएगा इन सेंटीमीटर क्यूब, फिर इसको जो भी आएगा उसको 1000 से डिवाइड करोगे, आंसर किसमें आएगा, लास्ट में एंड में लीटर में नहीं भी कन्वर्ट करते सपोज तो हाफ नंबर ही कटेगा, वॉल्यूम तो कम से कम निकाल के जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, देयर इज अ वुडन पाइप, उसका इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर इज गिवन टू यू, ये देखो अज्यूम कर सकते हो एक पाइप, पाइप मतलब हॉलो फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, लकड़ी की पाइप जो अंदर से बांस टाइप होता है ना, अंदर से खाली होता है ना, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर गिवन है, मतलब अगर अज्यूम करो इनर डायमीटर मतलब ये अंदर से ये खाली है, ठीक है, अंदर से डायमीटर गिवन है, पूरा डायमीटर कितना है 24, रेडियस कितना हो गया 12, और बाहर का डायमीटर गिवन है 28, तो रेडियस कितना हो गया 14, मतलब यहां से लेके ये वुड वाले को मिला लोगे अगर तो कितना है 14। वी हैव टू फाइंड दी हाइट इज गिवन टू यू, लेंथ ऑफ द पाइप मींस हाइट, हाइट गिवन है, फाइंड दी मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने वाला है ना, निकालना सबसे पहले हमने वॉल्यूम है, कैसे कैसे वॉल्यूम, हाँ फिर उस माइनस करना है, माइनस करके कि अब देखो आपने निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वुड, अगर मैं पूरे बाहर वाले वॉल्यूम में से जितना भी अंदर सारा बाहर के वॉल्यूम में से अंदर जो खाली जगह है जिसमें हम कुछ भर सकते हैं उसको माइनस कर देंगे, मैं इस ये मेरा पूरा है सिलेंडर, ये पूरा वॉल्यूम मतलब पूरा वॉल्यूम मतलब अंदर अंदर जो भरा हुआ है और बाहर को मिलाकर ये सारा जो स्टील है इसको मिलाकर इसका वॉल्यूम बाहर वाला निकाल लूंगी बाय यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस गिवन है, आउटर हाइट भी गिवन है, उसमें से जो अंदर खाली जगह मतलब वो स्पेस जो सारी वैक्यूम्ड स्पेस है तो उसमें कुछ भर सकते हैं ना, उसका वॉल्यूम निकाल दूंगी खत्म, तो बचेगा क्या, सिर्फ वो वुड मतलब ये जो जिससे ये हमारी बॉटल बनी है, समझ आ गई, तो वॉल्यूम ऑफ वुड विल बी व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वुड आउटर वॉल्यूम माइनस आउटर वॉल्यूम, आप अलग अलग से भी निकाल सकते हो, ठीक है, पाई, हाँ ऐसे कॉमन निकल जाएगा, बट समटाइम्स अगर आपको डाउट है तो आप अलग अलग से भी निकाल सकते हो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, हाइट इज सेम फॉर बोथ, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, नाउ हेयर इन दिस केस पाई एच विल बी टेकन कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाइट इज 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये कट गया, सॉल्व कर लोगे, यहां से तुम्हारे पास क्या आएगा वॉल्यूम 14 प्लस 12 इज 16, 26, 14 माइनस 12 इज 2, तो 220 इंटू 26 जो भी आएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड, आपको उसका क्या निकालना है, मास ऑफ द पाइप, मतलब मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, कितना भार है उसका, ये समझ लो, ठीक है, तो मास अगर कहते ये हमारा वॉल्यूम है वुड का इन सेंटीमीटर क्यूब, कि इतनी वुड हमें चाहिए, समझ आ गई, अब वो सारी जो वुड है उसका मास कितना है, वेट कितना है, समझ लो, तो दैट इज मास, अगर थोड़ी सी वुड का मास 0.6 ग्राम है तो ये सारी वुड का मास कितना होगा, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 0.6 ग्राम, मास ऑफ द गिवन व्हाटएवर वी हैव फाउंड सेंटीमीटर क्यूब इज 0.6 इनटू दिस विल कम इन ग्राम, सो अगेन दिस इज ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने हैं बेटा, अगर एनसीईआरटी में से चूज करती है, ठीक है, तो मान लो इस चैप्टर में से सपोज करो अगर 3 क्वेश्चंस भी आने हैं जनरल एग्जांपल, तो 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आएंगे, एक बाहर से,
समझ आ गई? चार क्वेश्चन आने हैं तो तीन एनसीईआरटी में से एक बाहर से, इतना तो चलेगा ना। तो तीन एनसीईआरटी में से, तो एनसीईआरटी प्रेफरेंस है फॉर एवरी चैप्टर। ये नहीं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के करो एक्स्ट्रा जिनको अच्छे से एनसीईआरटी आती है, लेकिन कुछ बच्चे जिनको एनसीईआरटी नहीं आती, बेटे पहले आप एनसीईआरटी करो। जसकीर जैसे आपकी बात अगर मैं करूं, अगर तू सिर्फ एनसीईआरटी कर जाएगा ना, जसकीरत हो गया, आप कीर्ति है ना, और भी कुछ बच्चे, ठीक है, आपको टाइम नहीं मिल रहा, आपको बर्डन लग रहा है, आप सिर्फ एनसीईआरटी करो फॉर ऑल द चैप्टर्स। एनसीईआरटी करो आराम से और अच्छे से करो। अब ये नहीं कि एनसीईआरटी में से भी हम चूज करें बीच बीच में से क्वेश्चन, उसमें से भी हम मस्ती मारते रहें, फिर नहीं कुछ हो सकता, ठीक है। एंड पे अटेंशन इन द क्लास। दो चैप्टर्स हम कर रहे हैं, चार चैप्टर्स अभी हमारे पड़े हैं, रिवाइज करेंगे, डेली क्लास अटेंड करो, तो उसमें से ही पेपर आना है। बोर्ड से थोड़ी आ रहा है पेपर, हमने ही बनाना है किसी ना किसी टीचर ने, तो ऐसे ही जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं उन्हीं में से आना है पेपर। आगे देखिए, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन टू पैक्स, अ टिन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ विड्थ हाइट एंड अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सिलेंडर डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है। Which container has greater capacity and by how much? क्या करेंगे इसमें? एक cuboid है, एक cylinder है। Cuboid का LBH given है, cylinder का diameter और height given है, मतलब radius। अब इसमें एक और बात ध्यान से रखनी, याद रखनी है। Question हमेशा ध्यान से पढ़ना है। Diameter को radius में convert करना है। Volume of cylinder is pi r square h. If you will use diameter in place of radius, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है? Radius की जगह diameter कर दिया, उसको divide नहीं किया, फिर number कटेंगे? जब इतने easy question में से भी, तो ध्यान से पढ़ना है कि diameter given है, तो diameter को radius में convert करो and then put that value. Okay? Next question. If the lateral surface area जिसके लिए क्या होता है बेटे? आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक जन से पूछो, आप बाकी सारे बोलते हो। मैंने जसकीरत बोला है, किसने बोला कर्व्ड? तीन आवाजें आई। कैसे हो रेजा? ठीक हो? क्लास कभी लगाते थे, कभी नहीं लगाते थे? बीमार थे आप? घूमती तो है वो। ट्यूशन जाते हो? आता है आपको सिलेबस? पढ़ना शुरू कर दो आप, एक महीना पढ़ ले बस, है फिर थोड़ा एंजॉय करना। ओके, पार्टी है अभी, संडे को मत पढ़ना, बाकी टाइम पढ़ लो, ठीक है। चलिए बेटा, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इज वन एंड द सेम थिंग, जिससे पूछो वही आंसर देगा। जशन, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर फॉर्मूला? लेटरल सरफेस एरिया से आता है उसको बताएगी, ऑफ सिलेंडर। अब आपको वो गिवन है 94.2 सेंटीमीटर, लेटरल लगा लो, कर्व लगा लो, 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। अगर बेटा तू ये लिखती है ना, तो जीरो नंबर है, समझ आ गई? रॉन्ग फॉर्मूला, जीरो मार्क्स। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, हाइट इज गिवन टू यू 5 सेंटीमीटर एंड इट इज रिटन इन द क्वेश्चन दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 एंड इफ इन द क्वेश्चन इट इज रिटन। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, सपोज करो क्वेश्चन में लिखा है पाई की वैल्यू है 3.14 एंड यू आर एंड यू यूज 22/7, आपने वो नहीं देखा तो जीरो नंबर है, ठीक है? Because the board says that whatever the value of pi is given to you, you have to use that. We know 3.14 is approximately equal to 22/7. 22/7 is approximately equal to 3.14. But still, 3.14 लिखा है तो वही use करना है, दूसरी value करोगे पूरा cross. अगर कुछ नहीं लिखा तो आपकी मर्जी है. यहाँ से radius निकलेगा, ठीक है? Then volume, यहां से radius आ जाएगा, then volume is pi r square h, radius find करोगे, h given है, so simple,
It's just the calculation and remembering of the formula of the curved surface area and then volume. Whenever the paper is set, paper teacher set the paper, beta, the teacher set the paper considering the all students, all the weak students also, right? But the weak student don't understand what the teacher says. We say again and again, learn the formulas by heart. Half of, more than half of the chapter will be done. But still, इतना ही फुर्सत नहीं है कि हम रट्टे लगा लें फॉर्मूलाज के. चल खड़ा हो. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. थैंक यू. नीचे कर. कोई नहीं है वहां करोना. चल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. इतना टाइम नहीं है मेरे पास. कोई फायदा नहीं है जसकीरत. ठीक है बेटा, आपको मैंने बड़े प्यार से समझाया बेटा, फॉर्मूला लर्न कर लो, आपकी मर्जी है. और कीर्ति, वॉल्यूम ऑफ कोन. हेलो, कीप कॉल. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. लर्न करो बेटा, लर्न करो, यू स्टिल हैव टाइम. ठीक है, चलो इतना टाइम नहीं है बेटा, आगे चलिए. क्वेश्चन नंबर 5. इट कॉस्ट रुपीस, ध्यान से सुनो, इट कॉस्ट रुपीस 2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 10 मीटर डीप. एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर. There is a cylindrical vessel whose height is 10 meter. Cylindrical vessel को अंदर से paint करने की total cost given है. And also you have been given the cost at the rate of rupees 20 per meter square. अंदर वाले curved surface, अंदर वाला curved surface area. बात समझ में आ रही है? एक cylinder है, उसके अंदर वाले side वाले portion को अंदर अंदर से paint किया. अगर एक मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 20 रुपीज लगते हैं और टोटल पेंट करने को 2200 लगते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. टोटल गिवन है और एक मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट गिवन है. तो उससे जो चीज दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या? वो होगा क्या जिसको पेंट कर रहे हैं? समझ आ गई? एक सिलेंडर है, ये बॉटल है मेरी, मैंने इसको अंदर से पेंट करना है. बड़ा सा सिलेंडर है, ठीक है, उसको अंदर से पेंट करना है, अंदर की तरफ से. ठीक है, पूरे अंदर पेंट लगाएगा. पेंट पूरा जो पेंट मैंने किया उसको पेंट करने के लिए लगे 2200 रुपए. और सिर्फ थोड़ा सा 1 मीटर स्क्वायर, इतनी सी जगह, मतलब अंदर से थोड़ी सी जगह को पेंट करने के लिए लगता है 20 रुपए. तो उन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? एरिया, कि अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया कितना है. वी हैव टू फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज टोटल कॉस्ट डिवाइड कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. नाउ दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है. नाउ बेटा द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πRh, that is 110. Height you know? यहाँ से radius. अब calculation तो बेटा खुद ही करनी है आपने, ठीक है? वहाँ से निकलेगा radius. Then you have to find the capacity, means volume. Such question comes in 4 marks, sometimes even in 5 marks. 4 marks में आएगा. 4 marks में. 4 marks का question है, 5 का तो है ही नहीं. नहीं, कैपेसिटी मीटर क्यूब में दो. अगर यस, अगर कैपेसिटी लीटर में नहीं पूछी तो मीटर क्यूब में दो, सेंटीमीटर क्यूब में दो, जिसमें यूनिट है. जरूरी नहीं है लीटर में देनी है, ठीक है. और आप तो बेटा 40 मार्क्स का पेपर है, उसमें से दो तो तुम्हें केस स्टडीज आ जानी है. 4-4 नंबर की केस स्टडी, 8 नंबर की तो केस स्टडी आ गई, मतलब MCQ. 32 ही रह गए, उसमें से क्वेश्चन आएंगे. MCQ नहीं आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क का भी नहीं है.
मार्क्स, टू के स्टडीज है, फोर मार्क्स ईच, एट मार्क्स तो वही हो गए ना, एमसीक्यू ही हो गए एक तरह के, और वो भी फिर ऐसे नहीं ना आते, वो ऐसे डालते हैं तो सॉल्व करना पड़ता है, वो कर ही लोगे, हाँ अच्छी बात है कर लोगे, हम तो चाहते हैं करो, ज्यादा ना बोलो ना करो, स्मार्ट तुम बहुत बनते हो नहीं इतने। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 meter is 15.4 liters. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? कवर नूर मुझे क्वेश्चन समझा दे फटाफट से, आमिरा। अब उन्होंने पूछा कि उन्होंने बताया कि सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट 1 मीटर है और उसमें कितना लीटर स्क्रू पड़ता है, मतलब कैपेसिटी है उसकी। एक मिनट, आप कवर नूर हो, बोलने दो उसको। वॉल्यूम है, उन्होंने कहा कि कितना स्क्वायर मीटर टोटल शीट लगी उसको अगर कवर कर रहा है, क्या निकालना है, क्या है टोटल सरफेस एरिया, वाई टोटल सरफेस एरिया अखिलेश, वाई नॉट कर्व्ड, इतना टाइम नहीं है बच्चे, क्योंकि ये सिलेंडर क्लोज है, क्योंकि ये सिलेंडर कैसा गिवन है, क्लोज है। अगर सपोज अगर कहीं लिखा होता है ना पाइप, तो पाइप हमेशा कैसा होता है, हॉलो, तो उसमें सिर्फ कर्व्ड की बात करते हैं, ठीक है। सो हेयर वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यस योग, व्हाट हैपेंड मैम, क्या क्वेश्चन था, रिपीट करना है लास्ट वाला, अभी जो आप बात कर रहे थे। सिक्स्थ क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा, सिक्स्थ क्वेश्चन में कहते हैं एक सिलेंडर है जिसका आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 15.4 लीटर्स, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच इज 15.4 लीटर्स, नाउ हाउ हाइट इज गिवन टू यू 1 meter, बट द वॉल्यूम इज गिवन टू यू इन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो यहाँ मैं 15.4 लेके नहीं सॉल्व कर सकती। हेलो, ओ हेलो, इधर देखो, अगर हाइट यहाँ 1 meter पुट करेंगे तो इसको 15.4 लेकर अगर आप सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। 1 meter cube इज इक्वल टू 1000 liters, इट मीन्स 1/1000 meter cube इज इक्वल टू 1 liter. अगर 1 liter 1/1000 meter cube है तो 15.4 liter will be 15.4/1000 meter cube. ये पॉइंट हटाओ, नीचे 0, ठीक है, चाहे ऐसे ले लो, ऐसे लेके चलो ना, पूरा डेसिमल में कन्वर्ट करो, इतना ही रहने दो। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ पाई आर स्क्वायर एच इज 15.4/1000, बिकॉज हेयर नाउ वी आर गोइंग टू यूज हाइट एज 1 meter, ठीक है, एंड इट इज 22/7, आर स्क्वायर इज 15.4/1000 × 7, डेसिमल हटाया नीचे 10, 11 × 11, 11, 14, 11, 2, 2, 7, आर स्क्वायर आपके पास आया 7 × 7/1, 2, 3, 4, इतना समझ आ गया। तो इधर देखो, इट विल बी इतना 7/r विल बी That is 0.07, ये आ गया आपके पास आपका रेड, ठीक है, वॉल्यूम यूज करके रेडियस, लेकिन इसमें ये था कि चेंज करना है लीटर्स को मीटर क्यूब, ठीक है। यूनिट सेम होने चाहिए। उसके बाद आपने इसका क्या निकालना है कि कितना मीटर, What will be the metal sheet कितनी लगेगी उस सिलेंडर को बनाने के लिए।
अगर सिलेंडर को बनाना है मेटल शीट से, इसका मतलब उसके एरिया की बात कर रहे हैं, क्लोज सिलेंडर है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πr इनटू r प्लस h, रेडियस इज 0.07 प्लस 1, यू विल सॉल्व एंड यू विल गेट द आंसर इन डेसिमल, दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in it in the interior, idhar dekho ek pencil hai, usme ye hamara graphite hai, pencil ka jo sikka hota hai, theek hai, what is given to you, the diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter, matlab ye hai 7 millimeter aur ye hai aapka 1 millimeter pura diameter, uske baad bete height of the pencil is 14 centimeter, you have to find the volume of the wood and that of the volume of the graphite, do cheeze nikalni hai, dono cylindrical hai, volume of wood kaise nikalenge Akhilesh, wood matlab ye jo lakdi pencil bani hui hai, pehle lakdi ki pencil sid ha kuch main seedha puch rahi hu nikalna kaise hai, bye इस पूरी पेंसिल में ये ग्रेफाइट सिक्का भी है, आउटर वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में से, आउटर वॉल्यूम में से इनर के ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द वुड सबसे, और ग्रेफाइट का वॉल्यूम अलग से भी निकालना है तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, graphite is all in the form of a cylinder only, pi r square h, ab yahan se outer diameter hai 7 millimeter, radius ho gaya 7/2, it is inner ka matlab jo graphite ka radius hai wo kitna hai half, ye baat samajh mein aa gayi, tum kya hansi ja rahe ho, रेडियस इज 1/2, ये मिलीमीटर है और हाइट बेटा है सेंटीमीटर में, रेजा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर बेटा, बताने वाले बड़े हैं, ये स्केल होता है 1-2, ये क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में डिवाइड करोगे मतलब 1.4, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि यूनिट सेम यूज करने हैं, बट सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 140 मिलीमीटर, ठीक है, नाउ वी हैव कन्वर्टेड हाइट इनटू मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 14 सेंटीमीटर में कितने होंगे 140, आगे समझ, ठीक है, ये आएगा 140, ये 22/7 वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द फुल पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल पूरी पेंसिल की वॉल्यूम अलोंग विद द ग्रेफाइट अगर आपने निकालनी है, वो कैसे निकालोगे, पूरा आउटर वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, आर इज 7/2, हाइट इज 140, ठीक है,
सो नाउ वॉल्यूम ऑफ द वुड विल बी पेंसिल की वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, इसमें से इसको माइनस करोगे यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द वुड, ये लकड़ी शार्पन कर। हाँ अगला तो बहुत इजी है, एक एक सिलेंड्रिकल बाउल है, डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है, उसमें सूप डालते हैं तो वॉल्यूम निकालोगे 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कि इतना सूप 250 पेशेंट्स को, ठीक है। इसके बाद देन नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कोन, लेट अस डू द एग्जांपल। इसमें आपको जो एरिया वाले क्वेश्चंस करवाए थे ना तब बताया था कि अगर हाइट लिखा है तो एच, स्लांट हाइट लिखा है तो एल, ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सेकंड देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर, शी यूजेस इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट मेड विद द बेस रेडियस 7 मीटर। इधर देखो एक उसके पास कैनवस, कैनवस मतलब क्लोथ, जिसका एरिया कितना है 551 मीटर स्क्वायर, उसको उसने घुमा के कोन बनाया, एक ऐसे रेक्टेंगुलर है उसको घुमाकर कोन बनाया है, जिसका रेडियस कितना है बेटे 7 मीटर, रेडियस इज 7 मीटर। उसके बाद कहते हैं ये जो रेक्टेंगुलर कैनवस था, मतलब रेक्टेंगुलर ही होगा ठीक है ना, जो उसको जब उसने घुमा के कोन बनाया कटिंग मटिंग की तो एक मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया कैनवस का, तो घुमाकर जब कोन बनाया तो उसका उस कैनवस से कौन सा एरिया बना कोन का, इसका मतलब ध्यान से समझो कर्व सरफेस एरिया कितना हुआ पाई आर एल, बट वो कितना है, अगर तो वो ना बोलते ये कि एक मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना होता, इतना ही 551। बट अब वो क्या कहते हैं कि जब हमने उस कैनवस को घुमाया तो एक मीटर स्क्वायर कटिंग वटिंग में वेस्ट भी हो गया, तो पाई कर्व सरफेस एरिया इज 551 माइनस 1। सेम क्वेश्चन थोड़े दूसरे वे में भी आ सकता है, रट्टे नहीं लगाने, पाई आर एल इज 550, रेडियस गिवन है, यहां से क्या निकालोगे एल, उसके बाद आपने क्या निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, यस वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नाउ रेडियस यू नो 7 मीटर बट हाइट वी डोंट नो, अगेन इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द हाइट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बैकपैक हो गया जिसकी रख, ये तो तुम्हारी अप्रोच है, मुझे नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं, इट्स ओके लेट इट बी पैक्ड ओनली। हाँ टाइम इज गेटिंग ओवर, टीचर्स हैव कम ऑन देयर ड्यूटी एंड लेट अस पैक द बैग एंड रन, दो चाहे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हाड़ में जाए क्वेश्चन, मैं तो चला जा अभी चला जा, समझ आ गई बेटे। तो कर्व सरफेस एरिया यू हैव टू रिमेम्बर इट इज 551 माइनस 1 दैट इज 550, यहां से L निकलेगा, L से H निकालोगे क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए वॉल्यूम जिसमें H है, फाइन। दो एक्सरसाइज कहां होती हैं, एक ही हुई, दो दिन और लगेंगे इसमें, ये लिया ये बीच में टेस्ट और क्या ये। सो स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।